चारित मोह की तीन चीजें पढ़नी, कौन कौन सी? अवस्था, दुख और उसकी निवृत्ति। दुख कैसे मिटे? आठ कर्मों में से दुख का कारण कौन है? मोहिनी कर्म। आठ कर्मों दुख का कारण कौन? मोहिनी। अभी हम पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको लगना चाहिए कि यही तो मोह मुझे दुख दे रहा है, बराबर। सभी लोग मुझे देखेंगे, कहीं नहीं देखेंगे, लिखेंगे भी नहीं थोड़ी देर, तो मैं आपको पांच मिनट के अंदर दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी का अंतर बताता हूं। काय का अंतर बता रहा हूं? दर्शन मोहिनी और चारित। ध्यान से देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी ये बात, क्योंकि प्रायः करके जिंदगी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होगा, दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा आपको, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो हम अपन ये देखने की कोशिश करेंगे दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी क्या चीज है, ठीक। बिल्कुल ऐसे बैठ जाइए, अच्छे से, नीचे मत देखिए, इस पर हाथ नहीं रखिए, ऐसे हाथ नहीं रखें, ऐसे ही रखें, ऐसे बैठना है आपको। हाँ, पिंक कलर, आपसे ही कह रहा हूँ, अभी भी आपने हाथ नहीं हटाया, ठीक है। अब आपकी मान का साया गल गई। कई बार ईगो होता है, नहीं हटाएंगे क्या कर लोगे। लेकिन आप अच्छे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे, सभी लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद ये विषय का कमांड हो गया तो बहुत मजा आएगा आपको। देखिए, दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी में दो गुणों की विपरीतता है, एक श्रद्धा गुण की विपरीतता और एक चारित गुण की विपरीतता। कौन कौन सी? श्रद्धा गुण की विपरीतता का नाम है दर्शन मोह और चारित गुण की विपरीतता का नाम है चारित मोह। क्या कहा? श्रद्धा गुण की विपरीतता का नाम है दर्शन मोह और चारित गुण की विपरीतता का नाम है चारित। अब हम कैसे पहचाने हमारे पास दोनों मोह हैं या हमारे पास एक मोह है, ये हमें कैसे मालूम पड़े? क्वेश्चन समझ में आया सबको? हमारे पास एक मोह है कि दोनों ही हैं, ये कैसे मालूम पड़े? तो मैं बताने की कोशिश करता हूं। यदि हमारे पास श्रद्धा सच्ची हो जाए तो दर्शन मोह नहीं है। क्या बोला हमने? यदि हमारी श्रद्धा सच्ची हो जाए तो फिर दर्शन मोह नहीं है। लेकिन दर्शन मोह मिटने के बावजूद भी, ध्यान से सुनो ये शब्द, मैं सुनूंगा भी हाल, दर्शन मोह मिटने के बाद भी श्रद्धा के विपरीत चिंतन चलता है, इसका नाम चारित मोह। श्रद्धा सही हो जाने के बावजूद भी श्रद्धा के विपरीत चिंतन चलता है, चारित मोह किसको कहते हैं? श्रद्धा के विपरीत चिंतन का चलना। सम्यक दर्शन तो हो गया, श्रद्धा सच्ची हो गई तो, लेकिन चारित मोह, चारित मोह का मतलब है फिर भी, जैसे दृष्टांत दूं आपको, जैसे जैसे सम्यक दृष्टि परद्रव्य में सुख नहीं मानता, यदि सुख माने तो दर्शन मोह, पैसा में सुख माने तो कौन सा मोह? बोलो जोर से, दर्शन मोह। कौन सा मोह? दर्शन मोह। लेकिन सम्यक दृष्टि को पैसे में तो सुख नहीं लगता, फिर भी पैसा कमाने का भाव आता है, ये श्रद्धा के विरुद्ध भाव हो गया। पकड़ में आया बच्चों? सुन रहे सभी लोग? श्रद्धा के विपरीत भाव आ रहा है, परद्रव्य में सुख माने, इसका नाम दर्शन मोह। क्या बोला? परद्रव्य में सुख माने, ये दर्शन मोह, और परद्रव्य में परद्रव्य की इच्छा उत्पन्न होना, ये चारित मोह। कौन बोलेगा? बोलोगे कोई? तुम ही बोलो, वेरी गुड। बोलो बेटे भोपाल। हाँ, परद्रव्य में सुख माने, ये पॉइंट पकड़ो जरा, परद्रव्य में सुख माने। हाँ हाँ, वाह बहुत बढ़िया, पकड़ में आया। अभी इसी बात को मैं आगे बोल रहा हूं, परद्रव्य में एकत्व माने, ये दर्शन मोह। परद्रव्य में ममत्व माने, ये दर्शन मोह। परद्रव्य में कर्तत्व माने, ये दर्शन मोह। परद्रव्य में भोक्तृत्व माने, ये दर्शन मोह। मोह में कितने भेद कर दिए अपन ने? कौन कौन से? एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तृत्व। पहले अपन ने सुख बोला था, पर में सुख मानना, ये दर्शन मोह। अब अपन ने पर के, पर में सुख के कितने भेद कर दिए? एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, ऐसा माने, इसका नाम दर्शन मोह। लेकिन अब, लेकिन
नहीं मानने पर सम्यक दर्शन हो गया, नहीं मानने पर सम्यक दर्शन हो गया तो दर्शन मोह तो चला गया, लेकिन लेकिन फिर भी कहता है मैं करोड़पति हूं। जी जी जी, विकल्प आ रहा है श्रद्धा के विरुद्ध विकल्प। श्रद्धा में तो एकत्व नहीं मानता पैसे से, श्रद्धा में तो शरीर से एकत्व नहीं मानता। समझ में आ रही बात बच्चों? समझ में आ रही कि नहीं? पूछना बेटे, नहीं समझ में आ रही को? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। श्रद्धा में तो शरीर के साथ एकत्व मत नहीं करता, जानता है ये मेरा नहीं है, जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी विकल्प आता है मेरा शरीर है। थोड़ा जचना चाहिए, ऐसे नहीं मेरी शादी हो रही है, नेमिनाथ भगवान की बारात जा रही होगी तो कैसे कैसे कपड़े पहन के गए होंगे, चाय जैसे, क्यों कैसे पहने होंगे, गहने कैसे पहने होंगे, उस दिन मेरी नहाए चले गए होंगे, ऐसा नहीं है। मेरा शरीर है, मैं हूँ, मैं सुंदर लग रहा हूँ। जो कभी श्रृंगार करता है वो दर्पण में देखता है, तो नेमिनाथ भगवान ने भी देखा होगा, मुकुट जमाया होगा ऐसे ऐसे, फिर जा रहे होंगे बारात लेके। देखो श्रद्धा में एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व नहीं है, और फिर भी उसके विरुद्ध विचार आता है, इसका नाम चारित्र मोहिनी है। कितने बच्चों को समझ में आई ये बात, जल्दी से हाथ खड़े कर। पीछे बैठने वाले बच्चे, बेटे अलर्ट रहना, बिल्कुल सावधान, आपके हाथ नहीं खड़े हो रहे पीछे वालों के, क्या बात है, हमने प्रश्न पूछा, केवल दो जनों ने हाथ खड़े किए पीछे, एक तीन। फिर से सुन लो, चलो नहीं समझ में आ रहा तो फिर से सुनो, लेकिन नहीं सुनोगे तो फिर दंड आपको ही मिलेगा। दर्शन मोह और चारित्र मोह से जीव दुखी है। दर्शन मोह में कौन सा गुण आता है? श्रद्धा गुण। कौन सा गुण आता है? श्रद्धा। श्रद्धा माने विश्वास, प्रतीति, विश्वास, प्रतीति, अहम, सुख बुद्धि। और सुख बुद्धि के अपन कौन कौन से नाम डाले अभी? एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व की बुद्धि। तो ये सब कहलाते हैं दर्शन मोह। और दर्शन मोह टूट जाने पर भी एकत्व का विकल्प, ममत्व का विकल्प, कर्तत्व का विकल्प, भोक्तत्व का विकल्प आ सकता है। मैं लड्डू खाता हूँ, भोक्तत्व का विकल्प, बड़ा मजा आता है लड्डू खाने में, छह खंड का राज्य भोग रहा हूँ मैं, अपने पुण्य के उदय को, फल को भोग रहा हूँ। ये कौन से विकल्प हो गए? चारित्र मोह। और वो भोक्ता बुद्धि हो तो भारी गुड, बहुत बढ़िया, भोक्ता बुद्धि हो तो दर्शन मोह, और भोगने का विकल्प हो तो। अब तो अंतर आगे समझ में सबको, अब कितने लोग हाथ खड़े करेंगे, दर्शन मोह चारित्र मोहिनी का अंतर कितनों को मालूम पड़ा? अभी भी पीछे वालों को पता नहीं लगा, तो पीछे वाली लाइन पूरी पूरी इधर आ जाओ मेरे पास, जल्दी सबसे लास्ट लाइन वाले इधर आ जाओ मेरे पास, जल्दी उठो। क्या बात है भैया, नाराज हो? हाँ आ जाओ लास्ट लाइन वाले सारे आ जाओ जल्दी से, वेरी गुड, इधर आओ मेरे सामने, इधर एक लाइन बैठ जाओ जी, बैग हटा दीजिए, एक बैग बच्चा सेट होगा इसमें, इधर आओ बेटे, अंदर अंदर आ जाओ, पीछे रख लो कोई बात नहीं, जल्दी इधर आओ जल्दी, फ्रंट उधर नहीं बैठना बेटे, इधर बैठना है, आपको डर लगता है मेरे से? हाँ जल्दी आइए, जल्दी इधर आ जाए फटाफट। भैया देखो सबके सब नींद आ रही क्या? पानी पिलवाऊं? बोलो जल्दी, थोड़ी देर हंसना चाहिए अपने को ना, हंसना जरूरी है। एक काम करो, आपने अपन एक थोड़ी सी वो करते दो मिनट के लिए, ताकि आप डाइल्यूट हो जाए हमारे साथ। मैं सीधे सीधे सीरियस हो गया। एक ताली हो जाइए आपने कभी, एक ताली, मैं बताता हूँ कौन सी ताली हो जाए, ऐसी वाली, मर्द बनो, बना करो यार एक बार, अरे करो जोर से, जोर से करो, जोर से, ए तुमने धीरे धीरे कर रहे लड़कियों जैसे, वाह वाह ठीक है, हंस नहीं पाए आप लोग, मर्द बनने का डर लगता है आपको? चलो दो मिनट में डाइल्यूट हो गया, फिर से चलो इस विषय को फिर से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आप उपयोग लगाइए, मैं बिल्कुल सरलता से पढ़ा रहा हूँ और ऑब्जेक्टिवली पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मेरे तो इस पर फिलो से चला जाता। फिर से, आठ कर्मों में एक कर्म ऐसा है मोहिनी जो दुख देता है, सात कर्म दुख देते नहीं है, बराबर है? आठ कर्मों में से कितने कर्म दुख देते हैं, जल्दी जल्दी बोलो, एक, कौन सा? मोहिनी। मोहिनी के कितने भेद? दो। कौन कौन से?
दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी। दर्शन मोहिनी चारित गुण की पर्याय है, श्रद्धा गुण की। दर्शन मोहिनी कौन की पर्याय है? श्रद्धा गुण की। श्रद्धा माने विश्वास, प्रतीति, अनुभूति, एकत्व अनुभूति, जिन नाम अहम, ऐसे कुछ भी नाम मिलेंगे आपको, बराबर। अब इस साइड से चलो तो चारित मोह है चारित गुण की पर्याय। चारित मोह है चारित गुण की विकारी पर्याय। चारित मोह क्या है? हाँ भैया फिर से बोलो, चारित्र मोह है चारित गुण की विकारी विकारी पर्याय। नहीं तो चारित गुण की पर्याय तो स्थिरता है, बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरा प्रश्न फिर से, दर्शन मोह और चारित मोह में क्या अंतर है? तो दर्शन मोहिनी, हाँ कौन बोलेगा, दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी में क्या अंतर है? चलो ये बच्चा से पहले पूछता हूँ, बच्चों को फर्स्ट। हाँ हाँ, बुद्धि बुद्धि और लगाना है, ध्यान रखना भैया। दर्शन मोह में एकत बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत बुद्धि और भोक्तत बुद्धि, बराबर। और अब अन्य अंतर क्या हुआ दर्शन मोहिनी चारित मोहिनी में? चलो कौन बोलेगा, बोलो बेटे जल्दी बोलो। हाँ बैठे बैठे बोलो, जल्दी खड़े नहीं हो। श्रद्धा में सही होने पर भी एकत बुद्धि टूट जाने पर भी एकत्व का विकल्प आता है, ममत बुद्धि टूट जाने पर भी ममत्व का विकल्प आता है। मेरी पत्नी है, हाथ लगा के देखो, हाथ तोड़ दूंगा। अब रामचंद्र जी बोल रहे हैं, रामचंद्र जी, तो रामचंद्र जी को दर्शन मोह कि चारित मोह है? चारित मोह है। छह खंड की विजय कर रहे हैं, क्या काय की विजय कर रहे हैं? छह खंड की, काय के बल पर कर रहे हैं? चारित मोह के बल पर। समझ में आया? तब दर्शन मोह और चारित मोह, इन दोनों का अंतर समझ में आ गया सबको। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे अपन। एक एग्जाम्पल तो बता दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। पर में सुख नहीं मानने पर भी, भोक्ता बुद्धि नहीं होने पर भी आत्मा लड्डू खा सकता है कि नहीं? आत्मा लड्डू को छू सकता है कि नहीं? आत्मा लड्डू बना सकता है कि नहीं? नहीं बना सकता। ये तो हो गई श्रद्धा का मैं सम्यक बना। इसके बावजूद भी लड्डू बनाने का भाव आता है, लड्डू खाने का भाव आता है, इसको कहेंगे चारित्र मोहिनी। समझ में आ गया सबको? कई लोग ऐसे बोलते हैं, जो लोग ये नहीं जानते ना, दर्शन मोह चारित मोह, तो आप जब प्रवचन करने जाओगे तो समाज में ऐसी बात सुनाई पड़ेगी। मैंने बहुत सुनी ये बात, आप भी सुनोगे। कौन सी? हो पंडित जी कह रहे खात नहीं है, खात नहीं है, जब जाने रोटी ना खाएं। समझ गए प्रश्न? समझ गए? मैंने प्रवचन में कहते हैं आत्मा रोटी नहीं खाता, आत्मा ने एक परमाणु मात्र नहीं खाया, आत्मा ने अनादिकाल से कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसे तो बोल रहे। और जब और जैसे दोपहर होती भूख लगने लगती है, रोटी खाने आ जाते हैं। एक आदमी तो ऐसे बोला इंदौर में, आत्मा रोटी नहीं खा रही थी, इतना सारा गेहूं कहाँ गाओ? इतना सारा घी जन कहाँ चला गया? और जब रोटी नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, तो शिविर में भोजन बनाते ही खाए के लिए हो? मैंने इसने क्या क्या गड़बड़ करी, कौन बताएगा? ऐसे व्यक्ति ने क्या गड़बड़ करी? बोलो बेटे। हाँ चारित मोहिनी को नहीं समझा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चारित मोहिनी को नहीं समझा, क्यों? नहीं खाता हूं ये श्रद्धा है, और खाने का विकल्प आता है यह चारित्र मोहिनी। और जब खाने का भी विकल्प नहीं आता तो आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाती है, श्रेणी मानकर केवल ज्ञान हो जाता है, तब खाने का विकल्प भी आता। बराबर समझ में आ रही? कठिन तो नहीं लग रहा? अब देखो कमाल की बात, देखो छठे गुण स्थान तक आहार लेने का विकल्प आता है, बराबर। मुनिराज आहार लेते हैं, वो कौन सा गुणस्थान? छठा गुणस्थान। लेकिन श्वेतांबरों ने 13वें गुणस्थान में भी आहार करवाया। उनको कहना है कि नहीं, महावीर भगवान को भी भूख लग रही थी। कि समोसरण में विराजे हुए भी भूख लग रही थी, तो उनको वहां भी आहार लेना पड़ा। उनको ऐसा ऐसा कहते हैं। फिर वो, अब उसमें ज्यादा चर्चा नहीं करता हूँ, तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए, बहुत सारे प्रश्न। तो फिर क्या महावीर भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद आहार के लिए जाते थे? तो आहार के फिर वो क्या गोचरी तो उसमें लाना पड़ती है ना, पात्रा में, तो क्या पात्रा लेके चलते थे? तो सबको तो पता होना चाहिए तीर्थंकर मेरे घर आए तो पात्रा में आहार दें, तो फिर वो आहार कहाँ जाके खाते थे?
तो फिर गोल मोले जवाब है कि इंद्र ऐसी व्यवस्था करता था कि समोसरण में किसी को पता नहीं लगता था। एक तिलिस्म होता था, तिलिस्म जादू का तिलिस्म, किसी को पता नहीं लगता था। मैंने श्वेतांबर में तो लेटरिन बाथरूम भी जाते हैं केवली भगवान, तो वो भी तिलिस्म होता है, ऐसा ऐसा बना देते हैं जादू का, किसी को दिखाई नहीं देता। तब एक नंबर भी कर जाते हैं वहीं और दो नंबर भी कर जाते हैं। लेकिन नहीं, अपने यहाँ कौन से गुण स्थान तक माना? छठे गुण स्थान तक। समझ में आ गई आपको बात? आगे चल चले अपन। ये बात तो अपने को थोड़ा सा भूमिका बतानी थी, अब अपन पाठ पर आते हैं। 38 नंबर के पेज पर देखिए, ऊपर लिखा है दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था, इसकी चर्चा शाम को करेंगे। चारित मोह रूप जीव की अवस्था ये अभी करना, इसकी चर्चा पर। जब मिला बेटे सबको, जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को, कौन से जीव को नहीं, कौन से जीव को, कौन को? सुमित प्रकाश जी को। हाँ मुझे ठीक। जब चारित्र मोह के, चारित्र मोह तो समझ गए, श्रद्धा के विरुद्ध आने वाला भाव, श्रद्धा सच्ची होने पर भी श्रद्धा के विरुद्ध आने वाला भाव, और श्रद्धा विरुद्ध है तो चारित्र में विरुद्ध आएगा ही। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि श्रद्धा सुधर जाए, चारित्र ना सुधरे। आगे देखिए, जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कसाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी, क्या लिखा है, देखते जानते हुए भी, ज्ञाता दृष्टा रहता हुआ भी, देखो कितने बढ़िया, देखता जानता हुआ भी, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मान कर क्रोधाधिक करता है, क्रोधाधिक करता है। क्रोधाधिक क्यों करता है? इष्ट अनिष्ट मान कर क्यों करता है क्रोधाधिक? क्यों करता है क्रोधाधिक? इष्ट अनिष्ट मान कर। क्रोधाधिक में क्या क्या आएगा? क्रोध, मान, माया, लोभ। बराबर, फिर से पढ़ें इसको। जब 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 मैंने सदाकाल नहीं, सिद्धों को नहीं आता चारित्र मोह का उदय, सात्विक गुण स्थान से दिखाई नहीं देगा आपको, दिखाई नहीं देगा, होगा तो सही, दिखाई नहीं देगा, तो जब का अर्थ लगा ली ना। अब अपन अपनी भूमिका में ले लो, अपनी भूमिका में कि अब हमें भी भविष्य में नहीं आएगा उदय, अभी आ रहा है। तो जब चारित्र मोह के उदय से, चारित्र मोह मतलब श्रद्धा सच्ची होने पर भी उल्टा विकल्प आता है, काय काय का विकल्प आते हैं, एकत का विकल्प, ममत का विकल्प, कर्तत का विकल्प, भोक्तत का विकल्प, ये चार। और दर्शन मोह हो तो अभी चारों के विकल्प, विकल्प कोई सा भी हो। बराबर, उदय से इस जीव को, इस जीव को माने मेरे को, इस माने निकटवर्ती, उस माने वह, उस इस निकटवर्ती होता था अपन, अपने को जब कसाय भाव होता है तब देखते जानते हुए भी, देखते जानते हुए भी मतलब मात्र आत्मा, ज्ञाता दृष्टा होने पर भी, ए ज्ञाता दृष्टा होना है कि होने है, ज्ञाता दृष्टा है कि होना है, होने पर भी, पर पदार्थों में क्या बुद्धि होती है, इष्ट अनिष्ट पना मानकर, क्या मानकर, इष्ट अनिष्ट पना मानकर क्या करता है, ऐसे नहीं बैठो, क्रोधाधिक करता है। क्रोधाधिक में क्या क्या करता है? बराबर, बराबर हो गया। आगे चलिए, अब सबसे पहले क्रोध का वर्णन पढ़ेंगे अपन। वहां क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्ट पना मानकर, इष्ट अनिष्ट मानता था ना, तो यहाँ अनिष्ट की चर्चा शुरू हुई, क्रोध में अनिष्ट पहले चालू हो गया। क्या करता है? वहां क्रोध को उदय होने पर पदार्थों में अनिष्ट पना मानकर उनका बुरा चाहता है। अवस्था बता रहे हैं, अवस्था, बुरा चाहता है, बुरा चाहता है। क्रोध के उदय में क्या चाहता है, क्या चाहता है, बोलो, बोल नहीं रहे, बुरा चाहता है। तो कैसे चाहता है, देखो, मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है। मंदिर आदि, मंदिर समझते हो, मंदिर माने घर, मंदिर माने घर, मंदिर का मतलब होता है घर, और वो भी लगा सकते हो मंदिर, जो समझते ही हो आप लोग, राम मंदिर
जब उसको गुस्सा आती है बाबर को तो तोड़ने फोड़ने लगता है। जिन मंदिर जिन प्रतिमाएं देख करके भी किसी को अनिष्ट बना मानता है, क्या नग्न दिगंबर है, शर्म नहीं आती, तो उन्हें भी तोड़ने फोड़ने लगता है। ये बाहर से बताया, लेकिन मंदिर का मतलब घर भी होता है, मंदिर का मतलब दुकान भी हो सकता है। और आदि कह करके कभी गुस्सा आया आप में से किसी को? आप में से किसी क्रोध नहीं आए ना कभी? चलो नहीं आए तो शाबाश, मैं दिखाता हूँ कौन कौन सा क्रोध आ जाता है अपने घर में। जब गुस्सा आती है ना, और मम्मी से तो कुछ कह नहीं सकती, और पापा से कुछ कह नहीं सकते, और दादा दादी से कुछ कह नहीं सकते, तो या तो अपने छोटे भैया पे उतार दे धड़ा तो छोटे भैया पे उतार दे, और छोटा भैया नहीं हो तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ में कोई चीज हो तो वो ही फेंक देते धड़ा। अपने गुस्सा आती है ना तो अपन कपड़ा फाड़ने ले कुछ कपड़े फाड़ने लगता है जी, देखा कि नहीं देखा, किताबें फेंक देते हैं, पेन फेंक देते हैं, अंदर हाथ में प्लेट हो तो। आपने देखा कभी ऐसा शानदार दृश्य? किस किस ने देखा है ऐसा? हाथ तो खड़े करो, देखा है आपने? देखा है आपने? भी देखा है? अच्छा, अपने ऊपर देखा है, दूसरे में देखा है? अपने भी देखा है। मैंने ऐसी गुस्सा आती है तो जी, अवस्था एक क्रोध की अवस्था ऐसी होती है, कभी ऐसे दृश्य भी देखे होंगे आपने, कुछ नहीं तो खुद को ही ठोकने लगता, ले लो मर जा रहे, ले मर जा रहे हम, कब दीवार पे सिर दे मारे धड़ धड़ धड़। 1977-78 में भारत पाकिस्तान से हार गया था, तो उस समय लोगों के हाथ में वो होता था जैसे जैसे मोबाइल होता है ना, ऐसे इतना बड़ा ट्रांजिस्टर होता था, ट्रांजिस्टर तो नया नया जमाना था ट्रांजिस्टर का, तो ऐसे कान में लगा के कमेंट्री सुनते थे, कमेंट्री। उस समय तो इकलौती यही आती थी देश टेस्ट टेस्ट मैच वाली, अब तो बहुत सारे हो गए, उसके बच्चे बहुत हो गए, वनडे हो गया, 20 हो गया, अब 10-10 भी आएगा ऐसे कुछ कुछ। तो भारत हार गया, अंतिम बॉल पर जावेद मियांदाद ने छक्का मारा और भारत हार गया, लोगों के हाथ में मोबाइल था ना, दे मिला के फेंक दिया उन्होंने। पाकिस्तान में जब भारत से हार जाते हैं ना तो हम बंदूक मार देते हैं उसको, क्या कहलाते हैं, टीवी को मार देते हैं। तो इस बार जब वो मैच हो रहा था ना तो कहना पड़ा था, भाई देखो आप लोग कुछ भी करना लेकिन टेलीविजन में गोली मत मारना। ये एक कौन सी अवस्था हो रही है? ये क्रोध की अवस्था कब होती है? जब इसको क्रोध का उदय आता है, ये अनिष्ट मानता है, जब किसी पदार्थ को अनिष्ट मानता है। ए विश्व में अधिक अनिष्ट पदार्थ कितने हैं बेटे? विश्व में अनिष्ट पदार्थ कितने हैं? एक, असंख्यात, अनंत, एक भी नहीं। ओसामा बिन लादेन कैसा है? इष्ट है कि अनिष्ट है? ओसामा बिन लादेन इष्ट है कि अनिष्ट है? तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा, इष्ट है कि अनिष्ट है? सांप कैसा है, इष्ट है कि अनिष्ट है? करेला कैसा लगता है आपको? अरे बोलो, यदि मम्मी रोज करेला बना के रख देता हूं एक बार कद्दू की खेती बहुत हुई कद्दू मुझे अच्छी तरह से याद है, 78-80 के समय कद्दू इतना कद्दू पैदा हुआ, क्या हर घर में कद्दू बनता था, हर हॉस्टल में कद्दू हर जगह कद्दू ही कद्दू की बाहर थी। तो उसमें जो आते हैं ना कार्टून वगैरह, हे भगवान फिर वही कद्दू। तो मैंने उसमें ऐसा लिखा था, जो लोग नास्तिक थे ना, नास्तिक जो भगवान को भी नहीं मानते थे, वो भी कद्दू को देखते थे भगवान की याद करने लगते थे, हे भगवान चल फिर से पढ़ते हैं। वहां हाँ अनिष्ट पदार्थ कितने हैं बेटे जगत में? तो जी क्या करता है गड़बड़ देव? वहां क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्ट पना मानकर उनका बुरा चाहता है। ये अंडरलाइन करने जैसी बात है, बुरा किताब में नहीं करना, अपनी कॉपी में करना, बुरा चाहता है, बुरा चाहता है। आगे कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ, मंदिर आदि क्या करे, क्या लेना, मंदिर, कपड़े, किताब, नाश्ता, प्लेट, और बोलो घड़ी, चश्मा, मोबाइल, ट्रांजिस्टर, और बोलो कोई सी भी चीज हो, उसे तोड़ने फोड़ने लगता है। गुस्सा आती है तो कभी देखा है आपने, बहुत जब गुस्सा आ रही घर में कोई नहीं हो तो दरवाजे पटकने लगे, छोटे छोटे बच्चे देखे हमने, मम्मी ने पनिशमेंट देने के लिए उसे बाथरूम में बंद कर दिया तो बाथरूम का दरवाजा तोड़ डालेगा,
यही दरवाजा खुला हुआ तो भाड़ 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 क्या करने लगता है, तोड़ने फोड़ने लगता। टोडो मलजी साहब ने कैसी पिक्चर खींची है, 250 साल पहले, एवरग्रीन पिक्चर है, एवरग्रीन समझते, एवरग्रीन। तीनों काल में क्रोध के उदय में ऐसा ही होगा, जब यही तुम्हें पनिशमेंट दे दिया जाए, है ना, यहाँ पर पनिशमेंट, तो अपने कमरे में जाएगा भन बनाता हुआ और आते से दरवाजे भाड़, फिर गुस्सा आएगा तो पंखा खींचेगा, फिर बिजली का स्विच बोर्ड तोड़ देगा, हाथ में ब्लेड होगी तो, यदि सरकारी बिस्तर होंगे तो सरकारी माने हॉस्टल के, अपने घर के होंगे तो नहीं फाड़ेगा। ये तोड़ने फोड़ने लगता है, आगे समझ में आ गया नहीं आए, ऐसे नहीं करना, हो ध्यान रखना। इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है तथा शत्रु आदि सचेतन, पॉइंट पकड़ में आया, ऊपर जड़ का चर्चा थी, जड़ की, अब चेतन की चर्चा हुई। दो तरह से गुस्सा उतारता है, जड़ पदार्थ हो तो तोड़ने फोड़ने लगता है, और चेतन शत्रु आदि हो तो, शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तब या तो उन्हें मर्डर कर देना चाहता, बध, बध समझते हो, रावण बध, ऐसे या तो मार डालना चाहता है और नहीं तो बंधन आदि से मन बंधवा देता है, हाथ पैर बांध दो इसके, कमरे से बांध दो, क्या कहलाता है, कभी पापा जी गुस्सा आई तुम्हारे ऊपर, तो पापा जी गुस्सा आई तो इसके दो ही हाथ पैर बांध के लटका दो, खंभे से बांध दो, मैंने ऐसे ऐसे बंद, क्या क्या कर देता है, ए जड़ में तो तोड़ता फोड़ता है और चेतन में बद बंधन आदि आदि में ठुकाई। अभी मैं चाहूं तो आपसे पूछूं कैसे पिटाई करते होंगे, एक तो सीधी सीधी पिटाई होती है, सीधी सीधी, लेकिन भारत वाले पाकिस्तान के या पाकिस्तान वाले भारत के सैनिकों का अपहरण कर लेते हैं, फिर आप देखो उनको नग्न कर देते हैं और जलाते हैं और सिगरेटों से और शराब डाल देंगे, मुंह में पेशाब डाल देंगे, आंखें फोड़ देंगे, गर्दन में धीरे धीरे काटेंगे, धीरे धीरे ब्लेड से ऐसे 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 करेंगे, सुइयां चबाएंगे, मैंने नाना प्रकार से, जब इसे गुस्सा आती है तो सचेतन हो तो उन्हें बद बंधन करता है, जलाता है, मारता है, पीटता है, गर्मा गर्म पानी डालता है सिर पर, तड़पते रहो फिर घंटा, 6 घंटे बाद फिर गर्मा गर्म पानी डाल दिए चेहरे पर, फोले पड़ जाए और मरो, और नहीं तो बताओ अपने देश के सब बस बताओ, जब इसको गुस्सा आती है तो इसे कुछ नहीं सूझता, बराबर समझ में आ रहे, याद रह जाएगी आपके पास, बद बंधन आदि से मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। जड़ और चेतन का भेद कर दिया, जड़ में तोड़ता फोड़ता है और चेतन में क्या करता है बेटे, इससे पूछ रहे, हाँ तेरे से पूछ रहे, बोल जल्दी, डरा नहीं बेटे, बिल्कुल मत डरा, तुम्हारे पीछे बैठा जाए, हाँ बद बंधन में क्या करता है, तोड़ता है और बोल, खड़े होकर बोल जोर से ताकि सबको पता लग जाए, तोड़ता फोड़ता है सचेतन को, हाँ अचेतन को, वेरी गुड, अच्छे से बोलो, डरो मत बिल्कुल, बहुत प्यारे बच्चे हो, वेरी गुड, सभी बच्चे डरना नहीं भैया, पढ़ने में मजा जब भी आएगा, तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को बेपरिणमन बुरा लगा, तीन चीजें बुरी लगी देखो, तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, मैं सोच रहा था तुम जल्दी से आओगे और तुम नहीं आए, मैं सोच रहा था मुझे बुखार नहीं चढ़ेगा, नहीं बुखार चढ़ गया, आपको कई बार गुस्सा क्यों आता है, मैं बहुत अच्छे से गर्मी ना लगे मुझे लेकिन गर्मी लग रही मुझे तो एकदम गुस्से में आ जाता है ना, नाना प्रकार से अपना परिणमन, अन्य सचेतन अचेतन का परिणमन, जैसे हुए वैसे, अपने को वह परिणमन बुरा लगा तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है, उस परिणमन का बुरा चाहता है, मिल रहा है किताबों में, ग्रंथ में मिल रहा है बेटे, देख रहे हो, आगे इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, क्या लिख रहे हैं, क्रोध से बुरा चाहने की
इच्छा तो हो, लेकिन इसकी इच्छा चाहने से उसका बुरा होता, अपन दूसरे का बुरा करना चाहें तो उसका बुरा होता नहीं। कैसे होगा उसका बुरा? बुरा होना भवितव्य आधीन है। फिर से बोलो, बुरा होना भवितव्य के आधीन। भवितव्य समझते हैं आप लोग? भवितव्य माने होनहार, जैसे उसकी गुड लक और बैड लक में लिखा हुआ वो। भवितव्य मतलब उसकी होनहार, होनहार मतलब जैसा उसकी होनहार होगी, गुड लक बैड लक वैसा होगा, बराबर है। फिर से बोल रहा हूँ, इसकी इच्छा तो है कि दूसरे का बुरा हो जाए, लेकिन उसका बुरा होना उसके भवितव्य के आदि नहीं, इसके बुरा चाहने से बुरा होता। आगे चलें, तो ये एक पैराग्राफ पढ़ लिया अपन इसमें से। फिर से बोलें, ये परिणमन का बुरा चाहता है। किसका बुरा चाहता है? किसका? परिणमन का बुरा चाहता है। तुम यहां खड़े हो, चलो एक दृष्टांत देता हूं, ध्यान से सुनेंगे ना। बहुत एक ही दृष्टांत में तीनों बातें घटानी। कौन सी तीन बातें? अपना परिणमन, दूसरे का परिणमन, और दूसरे के परिणमन में दो चीज, कौन कौन सी? जड़ और चेतन। पिताजी को 1,00,000 रुपए का घाटा हो गया मार्केट में, तो वे दुखी दुखी रूप परिणमित हो गए। नहीं चाहते थे ऐसा परिणाम, लेकिन दुख गए, दुखी हो गए। अब वो घर आए तो घर में बच्चा खेल रहा था, 8 साल का बच्चा खेल रहा था, तो आते सही उसका परिणाम पसंद नहीं आया, खेलना हंसना। आपको पता है जो दुखी आदमी होता है ना, उसे दूसरे का हंसना भी बुरा लगता है। देखा नहीं? देखा तुम्हें पैर में ठोकर लग जाए जी, हंसने लगे तो तुम पैर के ठोकर का दर्द नहीं होगा, काय का दर्द होगा? इसके हंसने का। तो पिताजी को 1,00,000 का घाटा हुआ, तो घर आए भन बनाते हुए दुखी, 8 साल का बच्चा बढ़िया खेल रहा था, अच्छा। आते से उसे सूद दिया, पढ़ता नहीं है, 1,000 बार कहा पढ़ा कर ले, ले। अब वो बोलो, लेकिन पापा सुनो तो। कुछ नहीं सुनना, लेकिन सुनो तो। नहीं, वो जमा दिया। अब रोने लगा तो फिर पत्नी भी चिल्लाने लगे, तू देखती नहीं है, सर पे चढ़ा रखा है बच्चे को, हम कैसे कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं? कहना तो ये चाहिए था उसे, 1,00,000 गवा के आए ना इसलिए, लेकिन वो नहीं कह रहे, मैं कैसे कमा रहा हूँ। सो बच्चा बेचारा रोने लगा। पत्नी ने कहा, क्यों मारा आपने? है पढ़ता नहीं है। अरे अब भी 5 मिनट पहले पढ़ के उठा है, तो आगे पढ़ो। अरे आगे का कोर्स पूरा हो गया उसका, तो अगले साल का पढ़ो। ए भैया अच्छी आबद है। मैंने वो उस पर गुस्सा उतार दिया उसने, समझ में आया आपको? तो अब फिर भी यदि कुछ नहीं समझ में आया ना, मान लो कुछ समझ में नहीं आया किसी पे, आपको पता है जब किसी पे गुस्सा नहीं उतार पाता ना आदमी, तो स्कूलों में अक्सर ऐसा होता है, मास्टर जी मास्टरनी से लड़के आते हैं, मास्टर जी मास्टरनी से परेशान होके आते हैं, समझो। मास्टरनी को परेशान करके आ जाए तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन मास्टर जी मास्टरनी से परेशान होके आए, उस दिन उनका चेहरा देखने लायक है। क्लास रूम में खड़े हो जाओ, जैसे डॉन बोल रहा हो, बिल्कुल एक के पीछे एक खड़े हो जाओ, मैं आज सबकी सुताई करूंगा, होमवर्क किसने नहीं किया? गुरुजी किया है, किया है तो बैठ जाओ। अरे तो प्रेम से बोलो ना, किया है तो अच्छा है, लेकिन नहीं, मैंने वो गुस्सा उतारता, क्या करे बेचारा। तो अपना परिणमन, दूसरे का परिणमन, और अब जो कुछ नहीं बने तो एक गीजू भाई हुए, गीजू भाई, उन्होंने एक बच्चे का दृष्टांत दिया है कि टीचर ने उसको पनिशमेंट दिया, आज आधा घंटे तक तुम स्कूल में रुकोगे, सब बच्चे चले जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी, तुम्हें आधा घंटा रुकना है। अब बच्चा क्या कर सकता है, रुकेगा बेचारा, उसकी गलती होगी, कोई शरारत की होगी। सो अब उसको खड़ा कर दिया। अब सारे टीचर तो स्टाफ में बैठे हैं, सारे के सारे स्कूल के सारे बच्चे चले गए, वो करे क्या? तो ये बिजली का घंटा होता है ना, क्या घंटा नहीं, वो खंभा, तो उसके हाथ में लकड़ी थी, वो खंभे में मारने लगा, जे रे शर्मा जी। शर्मा जी ने मेरी ठुकाई की, अब खंबा को शर्मा जी मान के ठोक रहा, तो आवाज हो रही, वो खंबे की आवाज आ रही, तो टीचर नाराज हुई वहां से, क्यों क्या कर रहा है, सीधे से नहीं बैठ सकता? तो खंबा छोड़ के वो बैठ गया। फिर उसने गड्ढा खोदा, एक जमीन में बांस से गड्ढा खोदा, और उसके अंदर इतना सा शर्मा जी पत्थर, कंकर नहीं तो लकड़ी का टुकड़ा, जे रहे शर्मा जी जे गड्ढे में, और फिर पैरों से उसने मट्टी भर के, और फिर पैरों से जे 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 रहे।
आपको समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया? जब चारित मोह का उदय आता है तो किसी ना किसी को अनिष्ट मानकर उसके परिणमन का बुरा करना चाहता है। तो चेतन मिल जाए तो चेतन, और चेतन नहीं मिले तो अचेतन में कल्पना करता है। बच्चों को आपने देखा है जब उन्हें गुस्सा आता है, जब उन्हें गुस्सा आता है तो घर में जाके तकिया की पिटाई करते हैं गुरुजी की जगह, नहीं समझ क्या करे बेचारे, कहीं ना कहीं तो ठोके। तो ये तो हुआ ये आधा पार्ट। अब इसका आधा पार्ट अपन कल पढ़ेंगे खास तौर से 52 नंबर के पेज पर। आप पढ़ के आओगे तो मुझे जल्दी पढ़ाने में मदद मिलेगी। पढ़ लेंगे आप लोग? चलिए, अभी सर आ गए आपके अगली कक्षा के, इसलिए अपन समय से छोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। और कल से ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, अपन 5 मिनट पहले आ जाएं कक्षा में। जैसे अपन समझते हैं ना 1:45, तो 1:40 पर आ जाइए तो करेक्ट समय से अपनी कक्षाएं प्रारंभ होंगी। पधारिए।